कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। खबरें आज आ रही हैं जो वो खास तौर से चने के मार्केट से जुड़ी हुई हैं। चने के बाजार में एक तरफा तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है और भी तेजी बाजारों में चने में आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। चने के बाजार में रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो खरीदारी बनी रहने की वजह से कल के दिन मूंग की दाल में और चने की दाल में कीमतों में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार देखा गया। लेवल जो है वो 7,000 के पार ही देखे जा रहे हैं। कीमतों में तेजी जारी है। हफ्ते भर में इसके दाम में 400 से 450 रुपए तक की अच्छी तेजी आ चुकी है। इसके भाव में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। बिकवाली काफी कमजोर है। उत्पादक मंडियों में चने की आवक पहले की तुलना में कम हो गई है, जिसका भी काफी ज्यादा इफेक्ट इसकी कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम है। ऑस्ट्रेलिया में दाम तेज होने के कारण आयात परतें महंगे हुए हैं, इसीलिए आगे इसकी कीमतों में तेजी बने रहने का अनुमान नजर आ रहा है। हालांकि बाजारों में देखा जाए तो रेट अच्छे रहेंगे। नीचे दाम पर खरीदारी करने के लिए बाजारों में अच्छा रेट देखा जा रहा है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, 75 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई। 7,075 रुपए तक का रेट दिल्ली में देखा जा रहा है। राजस्थान लाइन में चने का दाम है। जल्द ही 7100 भी बाजार में चना पहुंच सकता है। इस दौरान मध्य प्रदेश में चने के दाम 75 रुपए तक तेज होकर 7,000 से लेकर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बोले जा रहे हैं। अगर मार्केट बढ़ता है, बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है, तो मार्केट बढ़ेगा ही। और मार्केट में अगर इस तरह से एक तरफा तेजी बरकरार रहती है तो आने वाले टाइम में 7500 रुपए तक का भी रेट आप चने में देखकर जरूर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।